हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केटीएन दिल्ली में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बताया कि आप अपने बॉक्स को मास्टर रीसेट कैसे कर सकते हो। दोस्तों, मास्टर रीसेट क्या होता है कि कई बार आपका बॉक्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करने लगता है, या चैनल कम आ रहे होते हैं, या कोई कोई चैनल में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, आप मास्टर रीसेट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो दोस्तों, मैं बता देता हूँ। ये टाटा स्काई का रिमोट है, आपके पास ये टाटा स्काई का रिमोट होगा। अगर न्यू रिमोट है तो वो ऐसे ही होगा, और अगर पुराने वाला रिमोट है तो सेटिंग की जगह पे ऑर्गेनाइजर लिखा होगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सेटिंग वाले बटन को दबाना है। सेटिंग वाले बटन को दबाने के बाद आपको जाना है सिस्टम सेटिंग में। जैसे ही आप जाते हैं सिस्टम सेटिंग में, सिस्टम सेटिंग को आपने करना है ओके। ओके करने के बाद दोस्तों, ये सबसे नीचे आ गया मास्टर रीसेट। मास्टर रीसेट दोस्तों, एक जैसे ही कर देते हो आप इसको ओके ओके करते जाना है, आपको कुछ नहीं करना। बॉक्स आपका बंद होके चालू होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। दोस्तों, बॉक्स चाहे नॉर्मल बॉक्स हो, चाहे एचडी बॉक्स हो, चाहे पीवीआर बॉक्स हो, या आपका एंड्रॉयड बॉक्स हो, सभी बॉक्स मास्टर रीसेट इसी तरीके से होते हैं। ये देखो दोस्तों, ये जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये आ गई है स्क्रीन, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ आ गया है, यहाँ फ्लैश लाइट ज़्यादा होने के कारण। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंग्लिश लिखा आ गया। तो दोस्तों, लैंग्वेज आपको जो भी चाहिए आप लैंग्वेज वो कर लो और इसको सिलेक्ट करते जाओ। यहाँ पे आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी, यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट का बटन दबाते जाना। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखो एलएनबी लिखा आ गया। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग वाले बॉक्स लगे हैं, जो कि पीवीआर बॉक्स होते हैं, बड़े वाले बॉक्स, अगर वो बॉक्स लगे हैं तो हो सकता है आपके घर पे सुपर एलएनबी भी लगी हो। अगर सुपर एलएनबी नहीं लगी है तो आपको एलएनबी पे ही ओके करना है, कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी। ये देखो दोस्तों, ये सैटेलाइट आ गई है G-SET K9। ठीक है, G-SET K9 पे आपको मैं दिखा देता हूँ सिग्नल। जैसे कि G-SET K9 पे 80% सिग्नल आ रहे हैं, 1% आपकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है। तो लोकेशन के हिसाब से कई बार, या सिग्नल कई बार डिस्क की वजह से भी अलग सिग्नल आते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है, आपको करना है बैक वाला बटन दबाना है और ये तीसरे नंबर वाली सैटेलाइट पे जाना है। तो दोस्तों, आपके टीवी में ये कहाँ पर आ रही है वो आपको देखना पड़ेगा। जो सेकंड नंबर सैटेलाइट है वो है INSET 4A 23, आपको इस पर सेलेक्ट कर देना है। और इस पर ये देखो दोस्तों, इस पर सिग्नल और अच्छे आ रहे हैं, तो आपको इसी बॉक्स पे सिग्नल सेट कर देने हैं। तो ये दो सैटेलाइट है। कई बार क्या होता है, इमरजेंसी में हमारे बॉक्स कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप मास्टर रीसेट करके अपनी सैटेलाइट जिस पे अच्छे सिग्नल आ रहे हैं उस पे देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ गया, ये ओके कर दोगे, वैसे ही आपका बॉक्स पूरा मास्टर रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, मास्टर रीसेट करने का यही तरीका है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो माई चैनल को।